IPL, अनिल जी, 21st सेंचुरी जिसको कहते हैं, 21st सेंचुरी पैकेजिंग, वो इनका शॉर्ट फॉर्म ये था, और एक गजब की कंपनी है। इनफैक्ट 3 decades से ज्यादा पुरानी कंपनी है और बहुत सारे क्रेडेंशियल है इस कंपनी के, मैं पहले उनके बारे में बताऊंगा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फोल्डिंग कार्टन्स, और इंडिया का अगर लार्जेस्ट स्टैंड अलोन कन्वर्टर ऑफ पेपर बोर्ड बोला जाए तो वो TCPL है, और करीब 1200 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, 1100-1200 करोड़। और टोबैको पैकेजिंग, फोल्डिंग कार्टन, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, इन सब का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये पायनियर है ग्रेव्यूर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इंडिया का, और इनफैक्ट ओनली स्टैंड अलोन पैकेजिंग कंपनी है जो कि ये टेक्नोलॉजी यूज करती है। और फिलिप मॉरिस और बैट, फिलिप मॉरिस मतलब जो मार्लबोरो बनाती है और बैट, उनके अप्रूव सप्लायर है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कई सारे टोबैको ब्रांड्स के लिए जो पैकेट्स बनती है वो बनाती है, और अच्छा खासा, इनफैक्ट ये चारों ज्योग्राफीज में कंपनी फैली हुई है। ये बहुत बढ़िया चीज होती है क्योंकि स्ट्रैटेजिक रहता है वो, तो इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया जो कि चारों ज्योग्राफीज में, मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब में इनका प्लांट्स है, और अच्छा खासा प्लांट के भी 8 करीब प्लांट्स है। और अब TCPL पैकेजिंग के मैं और 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि ये सबसे बढ़िया बात है, 17 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है, और इस कंपनी ने काफी एक्सपेंशन किया है पिछले कुछ सालों में, बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ की है, और सबसे बढ़िया बात है कुछ टेक ओवर भी किया है, कुछ इधर उधर मतलब कंपनीज को भी इन्होंने वो किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी की जो ग्रोथ की जो एपिटाइट है वो मुझे बहुत इंप्रेस करती है। और जो बेसिकली अगर बात करें हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तो वो भी गजब है, एक्सपोर्ट्स भी कंपनी करती है, करीब 23% के लगभग रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स से आते हैं। कंपनी ने एक रिसेंटली एक्विजिशन भी किया था, एक क्रिएटिव ऑफसेट प्रिंटर्स बोल के, छोटा ही एक्विजिशन था बट वो एक डाइवर्सिव मतलब इनके लिए स्ट्रैटेजिक था, और कंपनी का सिलवासा, गोवा, गुवाहाटी, इन सब जगह करीब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। और अब मैं आता हूँ इनके फंडामेंटल्स पे, तो 18.5-19% की कैगर से कंपनी ग्रो करी है पिछले 3 साल के, अगर कैगर देखें सेल्स की कैगर 11-12% के लगभग रही है, और 15% के लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी है, और पिछला क्वार्टर जो है जून का, जून 2022 वाज द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स, मतलब अगर आप ये कंपनी 10 करोड़ 11 करोड़ ऐसा कमा रही थी और पिछले जून में 6 करोड़ का पैट था उसके सामने 23 करोड़ का पैट है, और ओपीएम को भी बढ़ाया, 16% के ओपीएम पे कंपनी काम कर रही है, और टॉप लाइन भी गजब की बढ़त है, 335 करोड़ की टॉप लाइन जो पिछले जून में 226 करोड़ की थी, और अगर हम टीटीएम बेसिस पे देखें तो अगेन हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में बैठी है, 66 करोड़ के प्रॉफिट्स पे और 1100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर। और अब शेयर कैपिटल पे आते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, तो गजब का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड से। ये इनफैक्ट जो कंपनी है कानोडिया फैमिली ने प्रमोट किया, जिनकी जूट, टी, पैकेजिंग, बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट है, एक बिजनेस फैमिली है, और जिंदाल, मिस्टर सजन जिंदाल, मिसेज संगीता जिंदाल, इनकी भी शेयर होल्डिंग है और रिलेटिव है, इनफैक्ट इनलॉज है जहां तक मुझे पूरा समझ में आया। और DIIs और FIIs 5.5% के लगभग होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी बहुत ही एक रिनाउंड नेम है जिनका 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, हस्बैंड वाइफ मिला के। सो ओवरऑल आई फील इस स्टॉक को मैंने पहले भी दिया है, मैंने 2 बार दिया, दोनों बार टारगेट्स अचीव हुए हैं, और आप देखिए मैंने जब स्टार्ट किया था देना तो ये 560 के लेवल्स पे था, फिर दूसरी बार जब दिया तो 830 के लेवल्स पे था, और आज ये ऑलरेडी मतलब मल्टीबैगर हो चुका है, और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत दमखम बाकी है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को 1430-1470 के टारगेट के लिए ले।